हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? इस क्लास में जो हमने प्रिमिटिव सेल्स पढ़े सभी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का, वो प्रिमिटिव सेल में द डिस्टेंस बिटवीन द नियरेस्ट नेबर एंड द रेडियस ऑफ एटम, इसके ऊपर एक दो सवाल आता है किसी एंट्रेंस में हो या आपका एनुअल एग्जाम में भी आता है, बोर्ड का हो या सीबीएसई का। तो द डिस्टेंस बिटवीन द नियरेस्ट नेबर, मान लीजिए एक प्रिमिटिव सेल है, क्यूबिक स्ट्रक्चर, इसमें दो आटम है, ये दो आटम नेबर, ये इसका नेबर है, ये इसका नेबर है ना, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन नेबर्स क्या होगा, इसका सेंटर और इसका सेंटर का जो डिस्टेंस, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन द नियरेस्ट नेबर एंड रेडियस ऑफ आटम, ये आटम का रेडियस के बीच में क्या रिलेशन क्या है ना। सो पहले हमने लिखा है सिंपल प्रिमिटिव क्यूबिक सेल, दिस इज ए प्रिमिटिव क्यूबिक सेल। आप देखिए ये क्यूबिक सेल में मान लीजिए इस कर्नर पर ये आटम है और इस कर्नर पर ये आटम है, आप देख रहे हैं, ये दिस इज द कर्नर और दिस इज द कर्नर ऑफ द फ्रंट साइड, ये फ्रंट साइड में एक आटम है और ये एक आटम है, दे आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर बोथ। तो इसका मान लीजिए रेडियस आर और इसका भी रेडियस आर, बिकॉज बोथ आर इक्वल इन शेप एंड साइज, तो इसका और इसका यहाँ से डिस्टेंस मान लीजिए हम लेते हैं डी, सॉरी ए, कितना लेते हैं ए, फ्रॉम हियर टू हियर और द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द क्यूबिक सेल मान लीजिए दैट इज ए, हमने यहाँ लिखा है ए, और ये आर 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 मीन्स रेडियस, दिस इज आर मीन्स रेडियस, आर आर मिलकर क्या हो जाएगा टू आर, दैट इज नथिंग बट द डी यानी डायमीटर, सो टू आर इज इक्वल टू डी, सो हियर फ्रॉम द पिक्चर इटसेल्फ वी आर कन्फर्मिंग दैट डी इज इक्वल टू ए, सो वी शुड रिमेंबर इन ए सिंपल प्रिमिटिव क्यूबिक सेल द डिस्टेंस और द साइड लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ द रेडियस ऑफ एनी आटम, सो हियर हमने लिखा है ए इज इक्वल टू आर और डी इज इक्वल टू ए, आप इसको याद रखिए, दिस इज द रिलेशन डी इज इक्वल टू ए, ए इज इक्वल टू साइड ऑफ द क्यूब, साइड ऑफ द यूनिट सेल है ना, और डी इज इक्वल टू टू आर एंड आर इज इक्वल टू, आर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ एटम, इसको आप याद रखिए, ठीक है ना। तो अभी हम चलते हैं, ये हो गया प्रिमिटिव सेल, सिंपल क्यूबिक सेल, अभी हम दूसरे दे पर बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल, जो क्यूबिक सेल का बॉडी सेंटर मान लीजिए सेंटर में भी उसका एक एटम है और चारों कॉर्नर पे भी एटम, यहाँ सिर्फ कॉर्नर में एटम था तो हम उसको जानते हैं बॉडी सेंटर एटम कहते हैं। तो आप देखिए दिस इज ए क्यूबिक स्ट्रक्चर, यहाँ इस कॉर्नर पे मान लीजिए आप देखिए दिस इज ए क्यूब, क्यूब का जो फ्रंट साइड है इस कॉर्नर पे ए कॉर्नर पे एक आटम है, उसका ऑपोजिट डी कॉर्नर पे एक आटम है, समझ रहे हैं आप, ये फ्रंट का कॉर्नर एक दो तीन चार, इसका फ्रंट का बाएं तरफ का कॉर्नर और पीछे का ये कॉर्नर इधर डी है, तो ए और डी दैट इज कॉर्नर, ये कॉर्नर कहाँ जाएगा, जो बीच का सेंटर में जो आटम होगा उसका रेडियस दे, उसका सेंटर देके जाएगा जरूर, बिकॉज ऑल आर इन द स्फेरिकल शेप नो, सो यहाँ हमने ए से डी कनेक्शन कर दिया है, जॉइंट कर दिया, ठीक है। अभी दिस इज द साइड ऑफ द क्यूब, दिस इज द साइड ऑफ द क्यूब और यूनिट सेल, ये साइड क्या है, ए है उधर, जो हमने इधर भी वही लिखा है, यानी द साइड ऑफ द यूनिट सेल इज इक्वल टू ए, समझ रहे हैं आप, और इसका रेडियस भी आर, अगर रेडियस आर होगा तो दो रेडियस मिलकर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ से हम जॉइंट किए अभी, इधर दिस इज आर इस एटम का, यहां से इस एटम का कितना हो जाएगा, ये भी आर हो जाएगा, तो आर आर मिलकर कितना हो जाएगा, यहां से अगर डिस्टेंस देखते ना डी हो जाएगा, ऐसे यहां से लेंगे तो दिस इज आर और यहां से लेंगे दिस इज ऑल्सो आर, सो आर प्लस आर कितना डी हो जाएगा, तो ये डी प्लस ए डी कितना हो जाएगा टू डी, तो ए टू डी डिस्टेंस कितना है यार, ये डी इज इक्वल टू टू डी, आप समझ रहे हैं ना, यहाँ ए से डी तक डिस्टेंस कितना, आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर यानी फोर आर इज इक्वल टू 2D, समझ गए। अब देखिए यहां से अगर हम एक ये ट्रायंगल का बात करते हैं, ए सी मान लीजिए दिस इज बी, ये ए बी सी ट्रायंगल में, ए बी सी हम यहां लिखते हैं, आप देखिए ए बी सी ट्रायंगल इज ए राइट एंगल ट्रायंगल है ना, राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल में ये बी सी इज इक्वल टू ए, BC इज इक्वल टू ए और ए बी ऑल्सो ए,
यहां से ए बी ऑल्सो ए बी इज इक्वल टू ए, तो इसका डायगोनल कितना होगा, ए सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए सी इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए स्क्वायर, है ना। ए सी कितना हो जाएगा, टू ए स्क्वायर का रूट ओवर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, तो कितना हो जाएगा रूट टू ए। तो ये देखिए ए सी और डी एक ट्रायंगल है, ए सी डी एक ट्रायंगल है। अगर हम ए सी डी ट्रायंगल डिसाइड करते हैं, ए सी डी ट्रायंगल में ये दिस इज 90 डिग्री है ना, दिस इज 90 डिग्री, तो ये हो गया ए सी इज इक्वल टू टू ए। इन ए सी डी ट्रायंगल क्या है, ए सी इज इक्वल टू रूट टू ए, है ना, ए सी इज इक्वल टू टू ए और सी डी इज इक्वल टू ए, तो ये ए डी डायगोनल होगा ना, तो ए डी डायगोनल इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू रूट टू ए रो स्क्वायर, ए का स्क्वायर डिवाइड भी ए का स्क्वायर रूट ओवर, तो ये कितना हो गया टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ थ्री ए स्क्वायर इज इक्वल कितना हो गया रूट थ्री ए। तो हमने यहाँ लिखा है दिस इज द रिलेशन, आप इसको याद रखिए, फॉर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल दैट इज टू डी इज इक्वल टू रूट थ्री ए, यहाँ आप लिख सकते हैं इसको, ये आप रिलेशन इसको इतना ही याद रखिए, दैट इज एनफ फॉर यू, आप कुछ भी प्रॉब्लम आए तो यहाँ कर सकते हैं, डी इज इक्वल टू ए फॉर प्रिमिटिव क्यूबिक सेल और फॉर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल दैट इज टू डी इज इक्वल टू रूट थ्री ए, डी इज द डायमीटर एंड ए इज द साइड ऑफ द क्यूब, समझ गए ना आप। ये बिल्कुल आसान है, इसमें कोई ये बात ही नहीं, हमने ये इसको पता है ये ए एक राइट एंगल ट्रायंगल और ये डायगोनल, तो रूट टू ए हो जाएगा इसका डायगोनल, और ये भी ए डी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल है इसका रूट टू है ये ए, तो ये कितना होगा रूट थ्री ए, और ए डी इज नथिंग बट टू डी, सो टू डी इज इक्वल रूट थ्री ए, सो वी गॉट हियर, समझ गए। अब हम देखते हैं फॉर सेंटर्ड क्यूबिक सेल, ये हो गया बॉडी सेंटर्ड, फॉर फेस सेंटर्ड, सॉरी यहाँ फॉर फेस सेंटर्ड, फॉर फेस सेंटर्ड, फॉर फेस सेंटर क्यूबिक सेल, यहाँ देखिए हमने एक क्यूब बनाया है, इसका टॉप का जो फेस आप देखिए टॉप का फेस है, ये कॉर्नर पे एक आटम है और इसका बीच में एक आटम और इधर एक आटम है, समझ गए, क्योंकि फेस में रहेगा ना, तो ये फेस सेंटर क्यूब की सेल में अगर हम इसको इसका कैलकुलेशन करते हैं तो आप देखिए कितना होगा, अगर ए बी डी हम ट्रायंगल लेते हैं, ए बी डी, ए बी डी ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल है, तो ये कितना ए, ये भी ए है, तो ये कितना हो जाएगा रूट टू ए, है ना, कितना हो जाएगा ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर रूट ओवर इज इक्वल कितना है ए बी है, तो ए बी कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट ओवर इज इक्वल टू ए बी दैट इज रूट टू ए, तो ये हमने कितना हो गया रूट टू ए, समझ रहे आप। ये जो रूट टू ए ये किसका, ये इधर आप देखिए इधर आर, यहाँ से भी ये आर, यहाँ से आर, यहाँ से आर, यानी फोर आर, फोर इज इक्वल टू डी, है ना, तो ए बी इज इक्वल कितना टू डी, सो ए बी इज इक्वल टू टू डी हमने निकाला क्या, ए बी इज इक्वल टू रूट टू ए, तो कितना हो गया फ्रॉम हियर वी गट टू डी इज इक्वल टू रूट टू ए, समझ रहे हैं आप। हमने यहाँ लिखा है ए डी इज इक्वल टू रूट टू ए, तो हमने यहाँ लिखेंगे टू डी इज इक्वल टू रूट टू ए। बच्चों यही रिलेशन बस आप याद रख ले, तीन रिलेशन आप याद रख लीजिए, आपको सारा प्रॉब्लम्स सॉल्व करना आ जाएगा। सिंपल होगा तो d इज इक्वल टू ए, बॉडी सेंटर्ड होगा तो 2d इज इक्वल टू रूट थ्री ए, और फेस सेंटर्ड होगा तो 2d इज इक्वल रूट टू ए। ये आप देखिए कितना आसान है ना, ये टॉप में है, टॉप में ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका ए साइड मालूम है हमको, ए साइड मालूम है, तो डायगोनल कितना हो जाएगा रूट टू ए, और ये रूट टू ए, ये जो डायगोनल है ये कितना किसके साथ बराबर है, इसका आर, ये भी एक आर, ये भी एक आर, यानी ये आप इसको डी ले सकते हैं डायमीटर, और ये आर आर इसके डी, तो यानी कितना है टू डी, सो टू डी इज इक्वल रूट टू ए। तो ये तीन आप याद रखिए, यू कैन इजीली सॉल्व एनी प्रॉब्लम इफ इट इज कमिंग ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिलेशन, ठीक है, समझ गए आप, इसको बिल्कुल नोट कीजिए, आप एक दो बार करिए इसको। बच्चों देखो एक प्रॉब्लम इस पे कर लेते हैं, न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ए मेटल क्रिस्टलाइजेस इन ए बीसीसी स्ट्रक्चर, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ
द एटम इफ द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल इज 280 पीएम। यहाँ कौन सा है, बी सी सी यानी बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल। बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल का फॉर्मूला क्या था, हमने आपको बताया था, दैट इज 2d इज इक्वल टू क्या है, रूट 3a। दिस इज द फॉर्मूला, बस इतना आप याद रखो, काम हो गया। यहाँ a कितना है, एज लेंथ कितना है 280, सो a इज इक्वल टू यार कितना, 280 पीएम। सो 2d इज इक्वल टू 280 इंटू रूट 3 है ना। सो 2 इंटू 2 आर इज इक्वल टू 280 रूट 3, आर इज इक्वल टू 280 रूट 3 बाई 4 इज इक्वल टू 70 इंटू रूट 3 पीएम। दिस इज आंसर, बिल्कुल आसान है ना। तो हमको क्या है, तीन फॉर्मूला याद रखना है। हमने बताया था आपको सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर SCC का, 2D इज इक्वल टू A, BCC का 2D इज इक्वल टू रूट 3A और FCC का 2D इज इक्वल टू रूट 2A। इतना फॉर्मूला आप याद रखोगे तो एनी टाइप प्रॉब्लम इन दिस रिगार्ड यू कैन सॉल्व इट। ओके ओके फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल्स। यूनिट सेल्स का हम डेंसिटी कैसे कैलकुलेशन करें, इसको क्या राइट, कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल्स है ना। तो यूनिट सेल का डेंसिटी निकालने के लिए हमको मालूम है डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, ठीक है ना। अभी हमने लिया द एज लेंथ, द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू हमने लिया ए है ना। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ए क्यूब, बिकॉज दिस इज क्यूबिक स्ट्रक्चर है ना, वी राइट क्यूबिक ए क्यूब। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू ए क्यूब। सो मास हम कैसे निकालेंगे, मास निकालने के लिए मान लीजिए एक यूनिट सेल कंटेंस 1 यूनिट सेल कंटेंस नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू जेड। एक यूनिट सेल में मान लीजिए जेड एटम्स हैं एंड द मास ऑफ एन एटम इज इक्वल टू स्मॉल एम। सो मास ऑफ द यूनिट सेल कितना हो जाएगा, सो मास ऑफ द यूनिट सेल कितना हो जाएगा, एम इंटू जेड। उसमें मान लीजिए जेड नंबर ऑफ एटम्स है और एक एटम का मास एम है, तो टोटल मास कितना हो जाएगा, एम इंटू जेड। तो हम डेंसिटी कितना लिख सकते हैं, सो डेंसिटी इज इक्वल टू मास हो गया एम इंटू जेड डिवाइड बाई ए क्यू। एम क्या है, मास ऑफ एटम। बच्चों मास ऑफ एटम और हम दूसरे किसी ढंग से निकाल सकते हैं, मान लीजिए लेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द क्रिस्टल, क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, मान लीजिए क्रिस्टलाइन सब्सटेंस इज इक्वल टू कैपिटल एम। अगर मॉलिक्यूलर मास कैपिटल एम है तो मॉलिक्यूलर मास कितना नंबर ऑफ एटम्स बियर करता है, सो वी नो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस कंटेन्स अवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स है ना, इफ एन इज द अवोगाड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ हम कितना लिख सकते हैं, यहां मास कैसे निकल सकते हैं, सो मास ऑफ वन एटम इज इक्वल टू कैपिटल एम डिवाइड अवोगाड्रो नंबर है ना, क्योंकि कैपिटल एम उसका टोटल मॉलिक्यूलर मास है, उसमें कितना है नंबर ऑफ एटम्स कितना है, तो हम वी कैन पुट हियर, सो मास ऑफ एन एटम दैट इज स्मॉल एम इज इक्वल टू एम बाई एन है, तो हियर वी पुट क्या पुट यहाँ पुट कर सकते हैं, सो एम बाई एन ए इंटू जेड डिवाइड बाई ए क्यू है ना। तो इधर कितना आ जाएगा, कैपिटल एम इंटू जेड
डिवाइड बाई एन ए इंटू ए क्यूब, दिस इज द फॉर्मूला, आप इसको याद रखिए। हम और एक बार यहाँ लिख लेते हैं, तो डी डेंसिटी इज इक्वल टू रो, हम लिख लेते हैं रो इज इक्वल टू एम इंटू जेड डिवाइड बाई एन ए इंटू ए क्यूब, यानी वॉल्यूम, समझ गए। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल्स। डेंसिटी कैसे निकल सकते हैं, और मॉलिकुलर मास मालूम है, और नंबर ऑफ एटम्स इन द यूनिट सेल मालूम है, और हमको तो ये कॉन्स्टेंट मालूम है, और साइज लेंथ मालूम है, तो वी कैन कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल। बच्चों इसका इंपॉर्टेंस है, आप देखिए इसमें क्या है, अगर आपको डेंसिटी पता है और जेड पता है और ए पता है, तो आप मॉलिकुलर मास निकल सकते, दिस इज इंपॉर्टेंट ना, या मॉलिकुलर मास ये तीनों पता है तो आप डेंसिटी निकाल सकते हो। दिस द यूटिलाइजेशन और यूसेज ऑफ दिस रिलेशन ऑफ डेंसिटी एंड द एज लेंथ एंड द नंबर ऑफ एटम्स इन द यूनिट सेल्स। ठीक है, अभी प्रॉब्लम कर लेते हैं, सो इट विल वेरी मच क्लियर फॉर यू। बच्चों देखो ये क्वेश्चन है, ए एफ सी सी एलिमेंट हैविंग मोलर मास 60 ग्राम पर मोल हैज एन एज लेंथ दैट इज 400 पिकोमीटर, व्हाट इज इट्स डेंसिटी वेयर अवोगाड्रोस नंबर इज 6.0/10^23 दे रखा है ना। तो हमको पहले तो फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, बिकॉज डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिकुलर मास इंटू जेड डिवाइड बाई अवोगाड्रोस नंबर इंटू वॉल्यूम यानी ए क्यू। तो गिविन डाटा, हमारे गिविन डाटा की क्या दे रखा है, ए इज इक्वल टू 400 पिकोमीटर, 400 पिकोमीटर इज इक्वल टू 4×10⁻¹ सेंटीमीटर, आप इसको याद रखिए 4×10⁻¹ सेंटीमीटर, हमने सेंटीमीटर कन्वर्ट कर दिया क्योंकि डेंसिटी हम लिखेंगे ग्राम पर सीसी, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या है, इसका मॉलिकुलर मास ग्राम में दे रखा है, तो मॉलिकुलर मास इज इक्वल टू यानी कैपिटल एम इज इक्वल टू दैट इज 60 ग्राम पर मोल। यहाँ जेड इज इक्वल टू कितना, जेड इज इक्वल टू, दिस इज एफ सी सी स्ट्रक्चर, जेड इज इक्वल टू 4, कैसे 6 साइड × 1/2 + 1/8 × 1, यानी 6 साइड में आधा आधा होगा तो 3 हो जाएगा, प्लस 8 कॉर्नर में 1/8 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो कितना जाएगा 4, सो जेड इज इक्वल टू 4। और क्या बचा, एन ए दे रखा है, एन ए इज इक्वल टू 6.02×10^23, समझ गए। तो हम यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, एम इज इक्वल टू 60, जेड इज इक्वल टू 4 डिवाइड एन 6.02×10^23, वॉल्यूम कितना हो गया 4×10⁻¹ होल क्यूब इज इक्वल टू 6.24 ग्राम पर सीसी, दैट इज डेंसिटी। सो ये बच्चे आपको सॉल्व करना पड़ेगा, दिस नीड्स प्रैक्टिस। आप हमारा दूसरा वीडियो देखिए, द ट्रिक्स टू सॉल्व द फाइंड आउट द फाइनल वैल्यू, आपको पता चल जाएगा आप कितना जल्दी इसको निकाल सकते हो। ठीक है, ये था द एप्लीकेशन ऑफ दिस डेंसिटी फॉर्मूला। बच्चों अभी हम शुरू करते हैं पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग फ्रैक्शन, और इसको कहते हैं भी पैकिंग एफिशिएंसी। इसका मतलब क्या है, जो हम यूनिट सेल लेते हैं, एक यूनिट सेल में तो मान लीजिए सिंपल क्यूबिक लेते हैं, उसमें कितना है, एक ही आटम है, हर कर्नर में 1/8 है, तो एक ही आटम है, तो वो जो आटम जितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है और कुछ स्पेस खाली है, तो द टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द आटम टू द टोटल स्पेस ऑफ द यूनिट सेल इज नोन एज द पैकिंग फ्रैक्शन, यानी द रेशियो बिटवीन द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द आटम, टोटल नंबर ऑफ आटम्स प्रेजेंट इन दैट यूनिट सेल होल डिवाइड बाई द टोटल वॉल्यूम ऑफ दैट यूनिट सेल, समझ गए आप। मान लीजिए ये हमारा एक यूनिट सेल है, ये जो यूनिट सेल है इसके अंदर, ये अगर सिंपल होगा तो हम कह रहे हैं क्या, इसके अंदर एक ही आटम है, कैसे ना, इसका 8 कॉर्नर में आटम्स 1/8 है, तो 1/8 × 8 इज इक्वल टू 1 आटम है, तो ये जो 1 आटम का वॉल्यूम होगा, हम लिखेंगे पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या, पैकिंग फ्रैक्शन और एफिशिएंसी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 1 आटम,
यहां सिंपल क्यूबिक अगर हम लेते हैं, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है ना, तो वॉल्यूम ऑफ वन एटम, क्योंकि यहां एक ही एटम में डिवाइड हुई, वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, समझ रहे हैं आप। तो अगर हम ऐसे ही जनरलाइजेशन करेंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द टोटल एटम्स, वॉल्यूम ऑफ द टोटल एटम्स प्रेजेंट इन यूनिट सेल, प्रेजेंट इन यूनिट सेल डिवाइड बाई द वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, इसको कहेंगे हम पैकिंग फ्रैक्शन, यानी एक यूनिट सेल में जितने एटम्स हो कितना स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ दैट यूनिट सेल, दैट इज नोन एज पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी, है ना। तो पहले हम शुरू करते हैं सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। तो बच्चों सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में हम डिस्कस करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ वन एटम कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यू डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल का कितना है ए क्यू, यहाँ आ रहे यहाँ ये, तो ए वी हैव टू कन्वर्ट, हमको पता है सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में क्या है, ए इज इक्वल टू डी, यानी ए इज इक्वल टू 2r, तो हम यहाँ पुट कर सकते हैं 4/3 पाई आर क्यू डिवाइडेड 2r होल क्यू इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यू डिवाइड बाई 8r क्यू, आर क्यू आर क्यू कैंसल। तो बच्चों ये क्या होगा, 4/3/8 इज इक्वल टू पाई बाई 6, बिकॉज 8 2 कैंसल 6, तो पाई बाई सिक्स इज इक्वल टू 0.524। अगर हम परसेंटेज इन परसेंटेज, इट इज 0.524 इंटू 100 इज इक्वल टू 52.4%। तो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में जो पैकिंग फ्रैक्शन यानी पैकिंग एफिशिएंसी है वो 52.4%, यानी अगर 100 उसका एरिया है, 100 में से 52.4 एटम्स ऑक्यूपाई किए हुए हैं, बाकी जगह वैकेंट है ना, यानी वो स्पेस खाली है, आप समझ गए। तो बच्चों अभी हम पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ बीसीसी यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल का निकालते हैं ना, तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल यूनिट सेल में कितने एटम्स होते हैं, टोटल 2 होते हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा, तो 2 एटम होते हैं क्योंकि हर कॉर्नर पे 1/8 इंटू दैट इज 1 और इसके सेंटर में एक रहता है, तो कितना होता है 2। तो अगर हम पैकिंग फ्रैक्शन निकालेंगे तो कितना वॉल्यूम ऑफ टोटल एटम्स 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यू, एक एटम का कितना है 4/3 पाई आर क्यू डिवाइडेड 2, दो एटम्स है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल दैट इज ए क्यू, है ना। हमने आपको बताया था बीसीसी के स्ट्रक्चर में रिलेशन क्या था, दैट इज 2d इज इक्वल टू √3a, सो a इज इक्वल टू 2d/√3, a इज इक्वल टू 4r/√3, बिकॉज d इज इक्वल टू 2r, सो हियर वी कैन पुट द वैल्यू 2 इंटू दैट इज 8/3 पाई आर क्यू डिवाइड बाई 4r/√3 होल क्यू इज इक्वल टू 8/3 पाई आर क्यू डिवाइड बाई दैट इज 64r³ डिवाइड बाई 3 इंटू √3 इज इक्वल टू 8/3 पाई आर क्यू इंटू 3/64 3 इंटू √3/64r³ 64r³, सो आर क्यू आर क्यू कैंसल, 3 3 कैंसल 8 दैट इज 8, सो कितना बच्चा √3/8π इज इक्वल टू 0.68 इफ इन परसेंटेज, सो कितना होगा 0.68 इंटू 100 इज इक्वल टू 68%, समझ गए। बिल्कुल उसी तरह हमने किया जैसे सिंपल का किया था, लेकिन बस यहाँ हमने क्या किया, 2 मल्टीप्लाई किया, और 2 मल्टीप्लाई किया साथ में जो ए का रिलेशन था हमने निकाले थे पहले, आपको बताए थे, याद किए थे 2d/√3 पर बीसीसी, तो हमने यहाँ इज इक्वल टू 4r/√3 वैल्यू पुट किया, तो वैल्यू पुट करने से हमारा कितना हो जाएगा 0.68, यानी पैकिंग फ्रैक्शन इसका कितना 0.68, अगर परसेंटेज में निकाल लें तो 68%, यानी बीसीसी के केस में और थोड़ा ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं कौन से एटम, उधर था 52%, इधर करीब 68% है, ठीक है ना। अभी हम निकालते हैं इसका एफसीसी का निकालते हैं। बच्चों देखिए हम क्या किए, अगर वही बीसीसी के हमने एफसीसी लिख दिया, तो एफसीसी में कितना होते हैं 4 एटम होते हैं, और एफसीसी लेते हैं कितना होते हैं
टोटल कुल आइटम कितना, चार, क्योंकि सिक्स साइड है, सिक्स साइड में हाफ हाफ करें तीन और आठ कॉर्नर में एक, तीन एक चार होते हैं। तो यहाँ वॉल्यूम मैटर्स कितना आ जाएगा, यहाँ दो के बदले फोर हो जाएगा ना, तो फोर, तो ये कितना आ जाएगा, दिस इज 16 ना, 16 बाई 3 पाई आर क्यू। यहाँ हमको बदलना पड़ेगा, यहाँ कितना था 2d इज इक्वल टू रूट 2a, हम आपको बताए थे, तो 2d बाई रूट 2 यानी 4r बाई रूट 2 वी हैव टू पुट फॉर्मूला, बिकॉज फॉर एफ सी सी 2d इज इक्वल रूट 2a, दैट यू हैव टू रिमेंबर। सो हम यहाँ क्या करेंगे, 4r बाई रूट 2, समझ रहे हैं। तो अभी क्या हो गया, 16 बाई 3 पाई आर क्यू डिवाइड बाई 64 आर क्यू डिवाइडेड 2 इंटू रूट क्यू। अभी हम इसको पलटते हैं, 16 बाई 3 पाई आर क्यू इंटू 2 इंटू रूट 2 डिवाइड बाई 64 आर क्यू, आर क्यू आर क्यू कैंसल, 16 दैट इज 4, तो कितना हो जाएगा, पाई बाई 3 इंटू रूट 2, पाई बाई 3 इंटू रूट 2 आर क्यू आर क्यू कैंसल, दिस इज नथिंग बट 74.0। If we will calculate percentage, if in percentage, then 74.0 into 100 is equal to 74%। यानी FCC स्ट्रक्चर में जो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं आटम, वो कितना है, 74% करीब करीब है। पहले था 52.4, उसके बाद 68, उसके 74। तो FCC में स्पेस ऑक्यूपाई बहुत होता है, तो ये क्लोजली पैक्ड होते हैं, तो FCC को हम क्लोजली पैक्ड कहते हैं। उसके बाद BCC उससे थोड़ा हल्का, और सिंपल क्यूब जो होता है वो बिल्कुल हल्का होता है। तो इसमें 74% करीब पैकिंग फ्रैक्शन हो जाता है, यानी यहाँ बहुत स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं आटम्स, और कुछ स्पेस खाली रह जाता है। ठीक है बच्चों, देखिए व्हाट इज void, void मीन्स द एम्प्टी स्पेस रिमेन विद इन द आटम्स इन ए यूनिट सेल। जो यूनिट सेल में जो आटम्स रहते हैं और कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स रहते हैं और आयन्स रहते हैं, उनके बीच में जो गैप रह जाते हैं, दैट इज नोन एज द वॉइड्स और द एम्प्टी स्पेस विद इन द यूनिट सेल। मान लीजिए हम एक टेट्राहेड्रल का ले रखें, ये टेट्राहेड्रल में अभी देखिए इधर ये चार आटम बिल्कुल अब सटे हुए, क्लोजली पैकिंग है, तो ये जो जब क्लोजली पैक्ड होते, इनके बीच में क्या हो गया, एक स्पेस बच गया है ना। दिस इज टेट्राहेड्रल पैकिंग है, क्लोज स्क्वायर क्लोज पैकिंग है। इसमें क्या है ना, ये चारों बिल्कुल सट के लगा हुआ है, इसके बीच का जो स्पेस है वो खाली रह गया। अगर उसको 3D लेंगे तो टेट्राहेड्रल, तो यहाँ एक छोटा आटम भी हम अगर उसको डाल सकते हैं, तो दैट विल बी स्फेरिकल नेचर। तो ये जो वॉइड्स है, ये वॉइड्स का रेडियस और इसका रेडियस में क्या रिलेशन क्या है, तो रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड टेट्राहेड्रल वॉइड्स, यानी इसका रेडियस और ये टेट्राहेड्रल वॉइड्स का इसका रिलेशन क्या है ना। ये देखिए अब बिल्कुल आसान है, अभी हमने यहाँ एक ड्रॉ किया, इधर भी इसको मिला दिया, ठीक है ना। अभी ये क्या है, ये BC इज नथिंग बट ए राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो ये 90 डिग्री है, समझ गए। तो क्या होगा, वी नो BC इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर का रूट ओवर, BC इज इक्वल टू कितना, आप देखिए R प्लस R, BC इज इक्वल टू बी यहां से तो R प्लस R, तो इज इक्वल टू ए बी का वैल्यू कितना है, ए बी का R प्लस स्मॉल R, तो R प्लस स्मॉल R का होल स्क्वायर, ए सी का वैल्यू R प्लस स्मॉल R का होल स्क्वायर, R प्लस स्मॉल R का होल स्क्वायर, समझ रहे हैं। यानी यहाँ क्या हो गया, 2R इज इक्वल टू 2 होल इंटू R प्लस R का होल स्क्वायर रूट ओवर, समझ गए आप। तो 2R इज इक्वल टू रूट 2 इंटू R प्लस R, 2 का रूट 2 R प्लस R का R प्लस R, तो यहाँ क्या होगा, 2R इज इक्वल टू रूट 2 R प्लस रूट 2 R। तो अगर हम ऐसे करेंगे, रूट 2 R इज इक्वल टू क्या होगा, 2R माइनस रूट 2 R, ओके। सो R इज इक्वल टू सब में रूट 2 R डिवाइड करते हैं, तो कितना होगा, रूट 2 R माइनस R, तो R इज इक्वल टू R इंटू रूट 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0.414 R। तो दिस इज द रिलेशन, यू कैन राइट स्मॉल R इज इक्वल टू 0.414 R, इट मीन्स रेडियस ऑफ वॉइड्स इज इक्वल टू 0.414 इंटू रेडियस ऑफ द आटम, समझ गए आप। दिस इज द रिलेशन बिटवीन द
रेडियस एंड द टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ठीक है बच्चों, ये था इन द केस ऑफ टेट्राहेड्रल, दैट इज आर इज इक्वल टू 0.414। और अगर ऑक्टाहेड्रल केस हम लेंगे तो ऐसे ही आर इज इक्वल टू 0.225 आर। आप ये दोनों रिलेशन को याद रखिए, स्मॉल आर हमेशा होता है द वॉइड्स ऑफ रेडियस ऑफ वॉइड्स, और आर होता है कैपिटल होता है रेडियस ऑफ एटम। समझ गए, यहाँ ऑक्टाहेड्रल में 0.225 आर और यहाँ आर इज इक्वल टू 0.414 आर। आप इसको याद रखिए, ठीक है।